सामने मंदिर है और मंदिर से देखिए क्या व्यू आता है, ड्रोन से आएंगे काफी बढ़िया शॉट। वाह यहाँ से देखो व्यू कितना मस्त आता है यार, वाइब्स ले रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे थ्री नहीं चार दिन, डे फोर है आज यार, पता नहीं कितना दिन है यार, याद ही नहीं रहता है। मेरे को बोल रहे थे तू तोड़ेगा इसको, खुद ही तोड़। और अभी हालत थोड़ी ठीक है, बट मेरी हालत बिगड़ने लगी, अब सिर में दर्द लग रही है मेरे यार। बाकी हमने नहाने का प्रबंध कर दिया, यहाँ पर बाल्टी बुल्टी मांग के लाई है लोगों। भूख आई है? भूख तो आई है यार, भूख की भी हो सकती है, धूप वगैरह बढ़िया हो जाएगी। तेल तूल कहाँ से निकालना, खरीद के लाना पड़ेगा अगर लगाना है तो। और यहाँ देखिए सिर में डैंड्रफ वगैरह कितना पड़ गया ना, पूरा धूल ही धूल, शरीर पूरा काला पड़ गया यार, दो दिन से नहाए नहीं है, क्या करें, आज प्रबंध करना ही पड़ा। वैसे नहाने के लिए टॉवल चाहिए, अब गाड़ी से निकालना पड़ता है गाड़ी का टॉवल। और क्या करें, गाड़ी का ही टॉवल निकालना पड़ेगा। चले गए नहाने, ठीक है तब मैं नहा लेता हूँ। वाह रहा नहा के ना, इतना बढ़िया फील हो रहा है, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा है, बढ़िया। हालांकि कंघी वगैरह है, फील बहुत बढ़िया। इन्होंने तो नए कपड़े वगैरह भी लाए हैं अपने लिए पहनने के लिए, हाँ मतलब जो भी है, मतलब साफ कपड़े। मेरा ऐसा कुछ प्लान था ही नहीं, बट पर मजा आएगा सच बोलो ना, हमें क्रीम होती थोड़ी सी पर तब खारिश लग रही है हल्की हल्की यहाँ रात को ना दोस्तों, सोने में दिक्कत होती है, ये जो साइड में मार्बल लगे हैं ना, ये इतने ठंडे होते हैं ना, मतलब सारा शरीर काम ज़्यादा ही स्मूथ लग रहा है, ठंडे एकदम, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बढ़ती है अपनी, क्यों गलत जगह बनाया हुआ है हॉस्पिटल, ठंडी होती है यार सारे। मेरे को तो पहले सुबह सुबह हल्के हल्के सिर में दर्द लगा, बिल्कुल खत्म, फ्रेश मजा। छुट्टी हो गई, छुट्टी दोस्तों, छुट्टी, सारा पूछ का रेडी हो गया, मरीज चल पड़े घर, ठीक हो गए, उठाते हैं और चलो एक मिर्च खाओ, वो डॉक्टर वाले रहते ना कुछ दवाई पैरासिटामोल अंदर, चलो लो जी पूछ का ले लो सामान, है सामान ले लो, चलो भाई निकलते हैं। हाँ बड़े दिन बोर हो गए हॉस्पिटल में, मैं तो लाइफ में पहली बार आया हॉस्पिटल, जो भी एक्सपीरियंस था काफी बढ़िया था, सोने के सिवाय यहाँ पर काम होता ही था और कुछ। इन हर के भाव हुआ कि बेबी जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी, वो ये कितने बार लेगी यार, ये मैडम जी स्कूटी अपनी पास दे रही है, वो लास्ट लाइन से दे रही है पास। कभी भी चेल चौक तो आते ही तेल भरना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जान इसमें तेल थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ही कम है, तेल ऊपर नहीं देख रहा हूँ, तेल नीचे है, बट मैं ऐसे ही सा ऊपर देखा था। देखो क्या मतलब, अभी ठीक हुआ, अभी चल पड़े जिस सवारी लाइन, अब होता है ऐसा ना, मिडिल क्लास बंदे होते ही ऐसे यार, थोड़े से बीमार क्या हुए उनको अपने काम पर दोबारा वापस आना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई चल छुट्टियां काट ले ऐसा तैसा, नहीं फिर आगे का काम छूट जाए, ये दुख का है खत्म नहीं होता यार मिडिल क्लास फैमिली वालों। ये चश्मा मैंने ऐसा लगाया हो आप ऐसा समझना भाई, मैं डॉन बन रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से भी टूटा हुआ फेविक्विक लगा काम चला रहे हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, वैसे बोल रहे हैं कॉलेज जाने वाला था मैं पढ़ने के लिए आज, एक नहीं बोला मेरे साथ जाना, चलो चलते हैं, बीमार आदमी है जाना तो पड़ेगा, क्या पता कहीं मतलब बड़ी की रखी थी और तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब कट कर देना इसको, टंकी फुल कर दी, चश्मा लगाई है ना सर, चश्मा लगाई है, वाह कितने लंच है बट ब्रेकफास्ट बोलेंगे हम तो, लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा पड़ेगा। ये वाला जो रास्ता ये मासी जी के घर को आता है, वैसे मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर, यहाँ नीचे है मीना मासी जी के घर में पहुँच गए, बट बारिश लगी है यहाँ पर तो यार, हल्के सामने अभी धूप है ना, और यहाँ पर आगे वाला मीरा रही देखो कितनी ज्यादा बूंदा बांदी लगी है, मासी जी और का नया घर, चलो ये शटर बनाया साइड, चलते हो क्या लगा, सॉरी आ गया तो मैं, वाह यहाँ से देखो व्यू कितना मस्त आता यार, वाइब्स ले रहा हूँ मैं, ठंडे के वाइब ले रहा हूँ मैं। पुरवाने इलाके में आना ना इतना मजा आता है, नहीं क्यों दिल को सुकून मिलता, पहाड़ी इलाके में ऐसा लगता है पहाड़ में ही मैं बस जाऊँ। और एक बार यहाँ की वाइब तो नोट करो, ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों के बीच में गाड़ी के साथ, पता नहीं लगेगा बट क्या, ये रोड देख क्या मतलब क्या रोड है वारा, ये किसने बनाया, ये कहाँ थी ये ज्ञानी बाबा, बिल्कुल लस का था, पेट का पानी तक नहीं हिल रहा यार इसे, जयराम जी आपने क्या ही कर दिया यार इधर, मतलब गजब, वो भी इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ ऐसा रोड, ऐसा नहीं मतलब कहीं भी। चलो गाने सुनो और मजे करो, दिल पर देसी हो गया, देसी
सन भन हो रही है। ओ यहाँ तक है बस, बाड़ा ये है बाड़ा स्कूल, ये है बाड़ा स्कूल। पंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। इतनी साइड ट्रेवलर यहाँ तक पहुँचा था पानी, देखो इस रोड के इस वाले पॉइंट तक, जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आबादी आई थी बरसात में पंडो में। स्कैम ही हो गया था इनके साथ पंडो वासियों के। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताओ कि तो आना हम क्या करें। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं देव बालक मेबनीवरी जी के मंदिर, जो हमारे देवता भक्रवी जी उनके बड़े भाई के मंदिर, देखा दिखाते हैं जरा वो कितना बेहतरीन मंदिर है। वैसे फर्स्ट टाइम होगा जो मैं वीडियो में बताऊंगा, नहीं यार पता नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों ये है मंदिर, बहुत से बंदों ने देख लिया होगा, बट अंदर जो है रथ रखा हुआ है यहाँ पर, देखो। चलो खाना खा लो, खाना घर का देसी खाना काफी दिनों बाद मिला जा रहा खाने के लिए, चार पांच दिनों बाद, हफ्ते बाद समझो। और क्या व्यू आता है यहाँ से, सामने मंदिर है और मंदिर से देखिए क्या व्यू आता है, ड्रोन आएंगे काफी बढ़िया शॉट। हाँ रुको चल रहे हैं, गढ़ को जा रहे हैं देवता के, जो मेन स्थान होता है जहाँ पर रथ होता है देवता का। मतलब ड्रोन से क्या ही व्यू आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, लगता है इन पहाड़ों में समा जाऊँ। आप लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे होंगे जैसा मैं कर पा रहा हूँ। ये है देवता जी का घर, देखो बनी हुई देव का बाला कमेश्वर बनी हुई। मैं थोड़ा हाई क्वालिटी में बना रहा हूँ तब जाके यहाँ पर ऐसा हिल रहा है मोबाइल, हमारा फर्स्ट टाइम आया मैं इसको बनने के बाद। यह कर दो पूरा ही दिखा, हो गया इतना अंदर, चलो चलते हैं बात। बढ़िया कांच घूस लगा के बढ़िया किया है यहाँ पर पानी का सिस्टम। हर दिल जो प्यार करेगा। आधी कहाँ लगाई है गाड़ी, आ रहा है ऐसे गाड़ी गिरना, नीचे जाने को देर नहीं लगेगी। देखिए जरा कैसे क्या करें, वो निकल जाए दो अंदर। बिल्ली आ गई नीचे से हमारे साथ, ब्लैक बिल्ली। हाँ जी हाँ, ब्लैक कैट बोलते हैं बिल्ली को, हिंदी इंग्लिश साथ में हमारे चलती है। पहुंच गया घर में पर मजा आ गया। अब हम क्या खाएंगे, खाना अमरूद, सॉरी यार ये खाने का ध्यान रहता है मेरे को बहुत ज्यादा। अमरूद देखिए कैसा है यहाँ पर, कच्चे हैं, हालांकि कच्चे हैं अभी, बच्चे हैं तभी ये कच्चे हैं, पर मन के बहुत सच्चे हैं। अगर मिलते कोई पक्का जैसा अमरूद मिलता तो खाते उसको, बट है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं यार, क्या खाने मामू जी, है नहीं यार। दोस्तों मैं हर किसी के स्टेटस देख रहा हूँ, सब डाल रहे हैं शादी मुबारक हो, फलाना मुबारक हो, यहाँ पर हमारा साला सेटिंग नहीं हो रही है और लोग शादी कर रहे हैं भाई, गजब का सीन है यार। इतनी शादियाँ होगी कोई एक ही दिन में, 10-15 शादी हो रही है, चलो हम गजब भाई, चलो बढ़िया है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शानदार लाजवाब ब्लॉग में, बाय बाय।